अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्तफा अहमद मिर्चावाला फ्रॉम मिर्चावाला सेंटर ऑफ अकाउंटेंसी. आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 16 इयर्स डिफरेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक ACCI, ICW. कितने ही बच्चों का ये ड्रीम होता है कि वो ICW क्वालिफाई करें, और क्यों ना हो, क्योंकि ICW शायद दुनिया की नंबर वन क्वालिफिकेशन है. अगर आप ग्लोबल रैंकिंग में देखें तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में नंबर वन पे लाए कर रही होती है. एक और इसकी वजह यह है कि ICW के पास एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन बैंक है. यानी आप अगर उनके पास पेपर देखें तो हमेशा वो अलग इंडस्ट्री को टच करते हैं और हर इंडस्ट्री का एक बैलेंस है उसमें. यही वजह है कि बड़े बड़े जैसे हमारे ICAP है, ICAP जैसी क्वालिफिकेशन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि MSA1 जो उनके एडवांस पेपर है वो ICAP के क्वेश्चन बैंक को रिकमेंड करते हैं कि उससे पढ़ें. तो ये इस लेवल की क्वालिफिकेशन है. इसी तरह दुनिया के कितने एम्प्लॉयर्स, मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं जो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करने जाते हैं तो उनकी पहली प्रेफरेंस ICAP होती है. ये सब गूगल पे लिखा हुआ है. तो पाकिस्तान में भी बच्चे ड्रीम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ICAP के जो टोटल 15 पेपर्स हैं वो पूरे होते नहीं है. पहले 12 पेपर्स यहां नहीं होते, यहां सिर्फ 3 पेपर्स होते हैं लास्ट. तो पाकिस्तान में नॉर्मली बच्चे करते हैं ICAP थ्रू ACCA. पहले वो ACCA कंप्लीट करते हैं और ACCA के बाद 15 में से ICAP के 15 में से 12 पेपर उनके एग्जाम्प्ट हो जाते हैं. तो 3 पेपर देने होते हैं, जिनमें से एक पेपर होता है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग. अब अक्सर बच्चों के लिए कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पेपर एक नाइटमेयर बन जाता है. पाकिस्तानी बच्चे उससे बहुत घबराते हैं. और बाकी सीधी बात है, ये 3 पेपर क्लियर करते ही आप डायरेक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो बड़े. तो ये पेपर भी बड़े लेवल का होता है. और इसमें बच्चे ये जो पेपर में फेल होते हैं कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, इसमें कुछ बड़ी बुनियादी गलतियां करते हैं. जैसे इस पेपर में सबसे बड़ा इश्यू होता है टाइम मैनेजमेंट का, और स्टूडेंट बेचारे बेसब्रे होते हैं. वो क्या करते हैं कि एक ही क्वेश्चन को पकड़ के उसमें इतना लिख देते हैं कि फिर 2nd, 3rd क्वेश्चन उनसे कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा होता, या उसको उसका हक अदा नहीं कर पा रहे होते. और एग्जामिनर ये बात लिखता भी है कि इस पेपर में ब्रेथ इज इंपॉर्टेंट देन डेप्थ, यानी बहुत ज्यादा गहराई में ले जाए बल्कि ओवरऑल पूरा पेपर करें और कोर्स को भी इसी तरह ओवरऑल कवर करें. तो लास्ट 1 ईयर में 1 स्टूडेंट अप्रोच मी फ्रॉम लंडन फॉर ऑनलाइन स्टडीज. तो मैंने कहा ठीक है, हमारी डिस्कशन हुई, मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ आपको. और बिलीव मी वो एक एवरेज स्टूडेंट था, यानी एक नॉर्मल स्टूडेंट, और वो अपने बेसिक पेपर्स की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी भूला हुआ था. तो मैंने उसको जीरो से पढ़ाया, लेकिन एक अच्छी बात उसमें ये थी कि वो बात मानता था. मैं जो उसको इंस्ट्रक्शन देता था करता था कि भाई सॉफ्टवेयर पे ये काम करना है, इस तरह रिवाइज करना है, पहले ये पढ़ना है, फिर ये करना है, पास्ट पेपर्स इस तरह लेके चलना है, ये एग्जाम टेक्निक्स, उसने बात मानी. और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो रिजल्ट आया है उसमें ही क्लियर्ड दैट पेपर, और ये बहुत बड़ी बात होती है. लेकिन सीरियसली, क्योंकि ये पेपर ऐसा पेपर होता है जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे मैं जानता हूँ 3-3 अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, और ही क्लियर्ड इन 1st अटेम्प्ट. तो उसने एज अ थैंक्स मुझे एक वीडियो बना के भेजी है, और ये हमारी खुशी है, मेरी और उसकी खुशी है. तो मैं वो वीडियो आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, और आप लोग इसको जरूर सुनेंगे. थैंक यू, प्लीज लिसन. Hi guys, my name is Ravi Chand. I'm based in London, and I've been studying the ACCA now for a number of years. Thankfully, I just passed my corporate reporting exam, for which I got the result last week. For corporate reporting, I was taught by Sir Mustafa, from Mustafa Hub of Accountancy. When I first met Sir Mustafa, I think I was very skeptical about the online teaching, and I'd never done the one-on-one teaching through software before. But very early on, I realized that his teaching was very concise, and he had a plan set out in terms of how he would teach me. So just a quick background on that. We first ran through all the RFRI standards. So he would teach me all the theory, kind of, but he would then make sure we did practical questions at the end of each class to make sure my basic knowledge of the IFRS standard was understood. And then once all the IFRSs were complete, which took a number of time, we then moved on to practical questions and the question bank. And this I found most useful, as it was, there was a lot of, so we would do a question together in class, and any questions, it was back and forth. I could ask as we went through, and sometimes he would tell me to solve parts of the question by myself. So yeah, guys, I would highly recommend Sir Mustafa's teaching in corporate reporting. For me personally, I had gone to many kind of learning providers in here in the UK in London, and I always found that the training and the learning experience was very rushed in class, and for me this definitely worked and was very effective. So I've found the experience, whole experience, very good, and now Sir Mustafa is also my good friend, so I'd highly recommend his teaching and highly recommend Mitchell Hub of Accountancy. Thanks guys.